वेलकम टू बैक माय चैनल राज वेब स्किल में। राज वेब स्किल में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कितना GB रैम है और आपके लैपटॉप का जो सिस्टम टाइप है वो कौन सा टाइप है और आपके लैपटॉप में कितने GB रैम के साथ ही तो देख सकते हैं। और साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में जो चल रहा है सिस्टम वो कौन सा विंडोज 7 है या फिर विंडोज 10 है, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक कंप्यूटर का आइकन बना होगा आपके डिस्प्ले पे, सिंपल उस पर जाना है और उसके बाद माउस से राइट क्लिक करना है और उसके प्रॉपर्टीज में जाना है। कहाँ पर जाना है बाबू, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ गया विंडोज़ एडिशन, इसमें विंडोज 7 यानी कि आपका जो लैपटॉप ये चला रहे हैं ये मेरा विंडोज 7 है। आप जो चला रहे हैं वो प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर कौन है, हेवलेट पैकर्ड है। हेवलेट पैकर्ड मतलब मैन्युफैक्चरर है। रेटिंग यहाँ पे दिया है इतना। फिर प्रोसेसर जो है मेरे लैपटॉप का वो इंटेल आर कोर TM i5 है, यानी कि कोर i5 मेरा प्रोसेसर है। उसके बाद इंस्टॉल मेमोरी रैम 4GB है, लेकिन यूजेबल जो है वो 3.88GB है, ठीक है। और सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि देखिए सिस्टम टाइप होता क्या है, सिस्टम टाइप बेसिकली दो टाइप से आता है। एक होता है 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो एक होता है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मेरा जो है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।